को पृथ्वी का शोषण बंद करना है और छोटे छोटे अच्छे कामों के माध्यम से, जिनको मैंने हमेशा ग्रीन गुड डीड्स का नाम दिया है, हमको रक्षा करनी है इस पृथ्वी की। ये आने वाली जनरेशन के लिए एक संदेश जाए कि धरती हमारी माँ है, उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। अर्थ को सेव करने के लिए बच्चे आगे आएं और अपनी जिम्मेदारी समझें, इसी का ये प्रयास है छोटा सा। देखिए, बहुत सभी बच्चे अभिनंदन के पात्र हैं। लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल और यहाँ के टीचर्स वत्सला जी और जितने टीचर्स हैं वो सब अभिनंदन के पात्र हैं। यहाँ केशवपुरम जोन के ऑफिसर्स डॉक्टर नवीन और यहाँ के जो कॉरपोरेटर्स हैं, उसमें खासकर दो लोग तो यहाँ पर हैं, हमारे योगेश वर्मा जी हैं और चित्रा विद्यार्थी जी यहाँ पर हैं, पुराने कॉरपोरेटर्स भी हैं यहाँ पर, महेंद्र नाथ पाल जी और सुरेश भारद्वाज जी, और इनके साथ साथ बहुत सारी RWAs और इस क्षेत्र के प्रमुख जो हमारे BJP कार्यकर्ता हैं, ये सब अभिनंदन के पात्र हैं, इसलिए कि सबने मिलकर एक दिन पहले, अर्थ डे तो कल है 22 अप्रैल को, लेकिन 21 अप्रैल को ही जागरूकता फैलाने के लिए अंदर एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन मुझे करने का सौभाग्य मिला। अभी एक गीले और सूखे कूड़े को सेग्रीगेट करके कैसे दिनों के हिसाब से यहाँ इस जोन में एक नया प्रयोग किया जा रहा है, उसका एक वीडियो लॉन्च करने का मौका मिला। एक बड़ी मशीन जो कि पॉल्यूशन पर काबू करने के लिए स्प्रिंकलर, जो कि ऐसे स्थानों पर जहाँ हमारा जो पॉल्यूशन का लेवल हाई है वहाँ पर पानी का वो स्प्रिंकल करके और पॉल्यूशन लेवल को सेटल कराने में हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें जो हमारे को अर्थ डे के समय पर प्लास्टिक्स का उपयोग कैसे हमको कम करना है, कैसे हमको ग्रीन गुड डीड्स के माध्यम से अपने पृथ्वी की रक्षा करनी है और कैसे हमें हमारे बच्चों को वापस वो सब देना है, घने जंगल, पर्वत, साफ़ सुथरी नदियाँ, साफ़ सुथरा लैंड, साफ़ सुथरी हवा, ये सब चीज़ें हमें वापस देने के लिए हमको पृथ्वी का शोषण बंद करना है और छोटे छोटे अच्छे कामों के माध्यम से, जिनको मैंने हमेशा ग्रीन गुड डीड्स का नाम दिया है, हमको रक्षा करनी है इस पृथ्वी की। और उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए बच्चे सड़क पर आ गए हैं, कॉलेज से, स्कूल से बाहर निकलकर, ये विशेष रूप से हमको नई ऊर्जा और नया उत्साह देता है। और आप लोग भी सुबह सुबह आए हैं, मीडिया के लोग, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ यहाँ से मिलकर जाएंगे और अपनी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो साफ़ सुथरी हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हमारे लिए उपलब्धता हो फूड की, चाहे वो एनिमल किंगडम की रक्षा हो, ये सब चीज़ों में हम अपना सर्वस्व नौछावर करेंगे और अपना कुछ ना कुछ ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे। सर, यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका? ये सब मैसेज खाली बुज़ुर्गों के लिए थोड़ी दे रहे थे, यूथ के लिए है। यूथ तो हमें मैसेज दे रहे हैं, आप देख रहे हैं, यूथ तो ऑलरेडी सड़क के ऊपर आ गए हैं। मैसेज तो उन लोगों के लिए है जो मैसेज को सुनना जानते हैं सब कुछ। पढ़े लिखे बड़े लोगों को तो सब कुछ पता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, पृथ्वी का किस प्रकार से रिसोर्सेज का शोषण हो रहा है, कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेकिन हम करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। तो इसलिए तो बच्चे हमारे को, यूथ जो है हमको मैसेज दे रहा है, तो उसको तो हमको फॉलो करना चाहिए। अर्थ डे को हम एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं, वापस से वही गलती दोहराते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, इसीलिए आज हमने एक संदेश देने के लिए कार्यक्रम किया है कि केवल एक सिंबॉलिक ना रह जाए, ये आने वाली जनरेशन के लिए एक संदेश जाए कि धरती हमारी माँ है, उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से जल की आपूर्ति कम होती जा रही है, जो है पॉल्यूशन जो बढ़ता जा रहा है,
तो आज बच्चों ने एक अभियान चलाया है और आने वाली पीढ़ी जब कोई अभियान चलाती है तो मेरा ये मानना है कि उसका बड़े बुजुर्गों पर तो असर होता ही है, और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को देखता है तो उसके मन में भाव जरूर आता है कि एक छोटा बच्चा अगर ये सब काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये भाव जगाने की ज़रूरत है, तो आज हम सब भाव जगाने चले हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब एक बार झाड़ू उठाया था 2014 के अंदर 2 अक्टूबर को, तो आपने देखा कि पूरे देश के अंदर एक क्रांति आई और सफाई के नाम पे एक बहुत बड़ा अभियान चला था। तो एक अभियान हमने आज चलाया और मुझे पूरी विश्वास है कि जब देश का युवा पीढ़ी जब साथ लग जाएगी तो कोई भी काम असफल नहीं रह सकता। तो इन युवा पीढ़ी को मैं प्रणाम करता हूं कि आज इन्होंने इतनी धूप के अंदर भी खड़े होकर ये संदेश दिया है कि हम सब मिलकर अपने देश के पर्यावरण को बचाएं। ये प्रयास है हमारे समाज को एक संदेश देने का कि अर्थ को सेव करने के लिए बच्चे आगे आएं और अपनी जिम्मेदारी समझें, इसी का ये प्रयास है छोटा सा। अक्सर हमने देखा है कि हम अर्थ डे को एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, वापस से वही गलतियाँ दोहराते हैं जिससे इन्वायरमेंट को हानि होती है। इस पर क्या कहना है? इस पर यही है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे बार बार उत्तरदायित्व का एहसास कराया जा सके, क्योंकि हम इंसानों में भूलने की आदत होती है, तो उसको बार बार अगर हम किसी भी चीज़ को याद कराते हैं तो वो चीज़ हमारे जहन में अंदर उतरती है, हमारे व्यवहार में आती है और तभी एक्चुअल काम हो पाता है। मैम आपका नाम? चेतना वर्मा। मैम जो आपके टाइम का अर्थ था और आज का जो अर्थ है उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है आपको? डिफरेंस है, दैट टाइम द अर्थ वॉज मच हेल्दियर, ग्रीनर। अभी थोड़ा सा उसको ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, अर्थ को हीलिंग की ज़रूरत है। अब जो चीज़ हमने देखा है वो उसमें कमी तो आई है, लेकिन वी कैन नॉट लूज होप। बहुत कुछ आज के बच्चे कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे और अर्थ को बहुत अच्छा बनाएंगे भी। मैम बेसिकली मैम आपको क्या लगता है इसमें जो अर्थ का ये हाल हुआ है आज, उसमें मेन किसका रोल है? यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन, एक्चुअली कोई एक बंदा नहीं है इसके लिए। एक जनरल माइंड सेट हो गया है, हम बहुत लग्जरी के पीछे चले गए हैं। अब जो हमारा पुराना समय था, जिस तरह से हमारे ग्रैंडफादर्स या मदर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जैसे जीते थे, हम लोग उतना नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, क्योंकि हमारा लिविंग स्टाइल चेंज होता जा रहा है। और शायद चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट, चेंजेस तो होती हैं, लेकिन इट शुड बी हैविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। दैट इज़ द मेन थिंग विच इज़ मिसिंग हियर। पॉजिटिव नहीं होने की वजह से ये गड़बड़ हो रहा है। पीपल आर यूजिंग हर चीज़, सारे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑफकोर्स दैट इज़ हर्टिंग द प्लांट, सॉरी अर्थ। हम एक दिन अर्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसको बचाने की बात करते हैं, लेकिन बाकी दिन सेम गलती दोबारा मिस्टेक करते हैं। एवरी डे यू हैव टू डू, एंड यू विल बी सरप्राइज, आई एम द पर्सन हु वर्क्स फॉर अर्थ एवरी डे। आई एम टीचिंग द टाइनी टॉट्स एंड दे आर लर्निंग अबाउट इट। When they are learning about it and they are doing all these things, ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। I know कि आज नहीं तो कर छोटा सा ही एक impact होगा, लेकिन ये बच्चे जो है ज़रूर बड़े होकर के बहुत अच्छा करेंगे। आपको just go across, meet them, each and every one of them, you will be surprised कि इनके पास एक सोच है इसके लिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। शायद हम लोग के जनरेशन में हम लोग बाकी सब चीज़ों में ज़्यादा बिजी रह गए, लेकिन आज के बच्चों को हम लोग जो सिखा रहे हैं निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा करेंगे। मैम आपका नाम? महक। मैम अर्थ डे को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जितना ज़्यादा हम रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़ कर सकें, हमारा स्कूल का मेन मोटिव यही है कि जितना ज़्यादा हम रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़ करें। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं सारे के सारे रिसाइकल्ड है, अदरवाइज रीयूज़ हो सकते हैं। और रिड्यूस हमने प्लास्टिक को करने की कोशिश की है, जैसे कि ये हमने कीचेन बनाया है, जो प्लास्टिक बॉटल्स होती है उनको मेल्ट करके हमने इसको किचन में सर्व करा है। ये प्लाईवुड्स होते हैं जो वेस्ट बच जाते हैं, उसको बच्चों ने प्रॉपर कटिंग करके इयररिंग्स बनाने की कोशिश की है। ग्लास बॉटल्स होती हैं, डाइजेस्टिव ड्रिंक पीने के बाद कुछ नहीं होता इनका, तो हमने इसको रिपेंट करके इसको एज अ प्लांट होल्डर बनाया। इसके अंदर आप मनी प्लांट उगा के अपने स्कूल में शोकेस कर सकते हैं। हमने पुरानी टेक्निक ली, हमारे स्कूल के रिसाइकल्ड बैग्स हैं जो पेपर भी रिसाइकिल कर सकते हैं, हम उनको रिसाइकिल करते हैं थ्रू रिसाइकलिंग मशीन, एंड हमारे सीनियर स्टूडेंट्स इसको कटआउट करके रिसाइकलिंग बैग्स बनाते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, जैसे कि होम डेकोर के लिए, जैसे कि हमारे ये गुड विशेस के हैं, ये पुरानी वेस्ट फॉर्म शीट्स होती है जो वेस्ट बच जाती है, हम हमारे जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग करके ये बनाते हैं, और उसके बाद हम एक छोटा सा मैसेज लिख देते हैं जिस किसी को हम बेस्ट विशेस देना चाहते हैं।